हेलो फ्रेंड्स, शिवांगीज किचन न्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजर मूली का चटपटा अचार। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी जो कि झटपट से बनने वाली है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने गाजर मूली और इसके साथ मैंने फूल गोभी भी रखी है, फूल गोभी का अचार भी है ये, और कट करके रखा है। और यहाँ पे ये नींबू का टुकड़ा, इसमें खट्टापन लाने के लिए ये राई के दाने रखे हैं, एक बड़ा, 2 बड़े चम्मच, 1 बड़ा चम्मच सौंफ, 1 बड़ा चम्मच ये मेथी, और ये सौंफ है, और इससे पहले जो दिखाया था वो अजवाइन था। और यहाँ पे ये 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, और यहाँ पे ये 2 चम्मच नमक ले रखे हैं। अचार में थोड़ा ज़्यादा ही नमक डालता है। और ये यहाँ पे थोड़ा सा सरसों का तेल। तो सबसे पहले हम कढ़ाई को गरम कर लेंगे और उसमें ये जो खड़े मसाले हैं इनको हल्का सा भून लेंगे। और फिर इनको अच्छे से भूनना है, मतलब ज़्यादा, जैसे इनमें से पकने की स्मेल आती है बंद कर देना है, ज़्यादा नहीं भूनने, कड़वापन ना आए। इसमें हमने लिया है राई के बीज, मेथी, सौंफ, ये 3 चीज़ों को हम यहाँ पे भून करके फिर मिक्सी में इसको पीस लेंगे। तो ये अचार झटपट से बन जाता है और खाने में भी बड़ा टेस्टी होता है और इजीली हम इसे घर पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये मसाले पीस लिए हैं, इसका ये मोटा दरदरा पाउडर बना लिया है, ज़्यादा बिल्कुल पतला बारीक नहीं करना है इसको। अब यहाँ पे हम कढ़ाई में लगभग 2 बड़े स्पून के बराबर तेल डाल देंगे, सरसों का तेल, और तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो यहाँ पे ये 2-4 मिर्चें थी हरी, ये मैंने इसमें डाल दी हैं। मिर्च से थोड़ा चटपटापन, थोड़ा तीखापन आ जाता है अचार में, नहीं तो वो फीका फीका जैसा लगता है। तो ये यहाँ पे मैंने ये मिर्चें डाल दी हैं, अब मैं इनको अच्छे से भून लेती हूँ। तो अब मैं यहाँ पे ये गोभी डाल देती हूँ, गोभी को भी अच्छे से भून लूँगी। और इसी तरीके से मैं गाजर और मूली को भी डाल दूँगी और उनको भी अच्छे से भून करके पका लूँगी। तो ये बड़ी आसानी से बन जाता है ये अचार घर पे, और आप इसको बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं, ऑफिस के टिफ़िन में दे सकते हैं, पराठों के साथ। किसी टाइम पे कोई सब्ज़ी का ऑप्शन नहीं होता तो उस समय ये अचार काम आ सकता है। और इसको अगर हम टाइट कंटेनर में रखें तो ये थोड़ा लॉन्ग टाइम तक चल सकता है। तो आप भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आपका अचार कैसे बना मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। अब यहाँ पे मैंने ये जो मसाले नाप के रखे हुए थे इनको मैं डाल लेती हूँ। इसमें नमक भी इन्हीं में रखा, मैंने पहले दिखा दिया था। अब इन सबको मैं अच्छे से मिला लूँगी, पका दूँगी थोड़ा सा। तो अगर आप पहली बार चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो बाकी के वीडियोस भी देखें, बाकी के जो रेसिपी बना के रखी हुई हैं उनको भी देखें। और ये जो सूखा पाउडर है, मैं इसमें ये सूखा पाउडर मिला लेती हूँ जो अभी हमने पीस के रखा था। तो यहाँ पे लगभग लगभग हमारा अचार बन के तैयार हो गया है। अब हम गैस को ऑफ कर लेंगे। और जो मसाले मैंने पहले पीसे थे उनमें मैंने अजवाइन नहीं डाला था, क्योंकि अजवाइन गर्म होता है, ज़्यादा उसको भूनेंगे तो फिर भी और गर्म हो जाएगा। अजवाइन को हम लास्ट में डालेंगे। यहाँ पे मैंने कटोरे में वो नींबू का रस ले रखा है, अब वो नींबू का रस मैं इसमें मिला लूँगी जिससे कि अचार में खट्टापन आ जाए। और यहाँ पे लगभग लगभग अचार बन के कम्प्लीट हो चुका है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यहाँ पे ये बन के तैयार है और हमने ये प्लेट में सर्व कर लिया है। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।